लायक नहीं बचो। जो शहर तुमने हमारी बच्चियों की जिंदगी में खोला, आज वही शहर सुरमा बनकर तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे सामने खड़ी है। और मजे की बात यह है कि तुम उसे देख भी नहीं सकती। मोहिनी की आंखों में सुरमा लग चुका है। अब ना ही वो जादू कर पाएगी और ना ही देख पाएगी। हमारी चिक्की बुलबुल और हमारे देव तीनों सुरक्षित हैं। अनजाने में ही सही, पर देव ने बहुत कुछ सहा है। आज से सब कुछ खत्म, एक नई शुरुआत होगी, हंसती खेलती खुशियों भरी जिंदगी की। देव, उठो। अब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ तो हम कर रहे हैं इमोशनल ब्लैकमेल। चलो पी लो, हम बनाकर लाए ना इतनी मेहनत से। पी लो ना प्लीज। वेरी गुड। चलो अब तुम आराम कर लो, हम आते। देव, कोई देख लेगा। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? देव, रंभा। ये मोहिनी की आवाज थी ना? मैं जरा जाके चेक करता हूँ क्या हो रहा है। कोई है क्या? मुझे रुको रुको। रंभा,
कुछ नहीं हुआ, उठो उठो आराम से, आराम से उठो। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? देव, देव ये। मोहिनी मोहिनी क्या हुआ? देव मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। देव मेरी आंखें दिखाई नहीं दे रहा। मोहिनी ओहो एक मिनट। मोहिनी मोहिनी हम कहते हैं ना दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, शांत रहा करो। हो सकता है तुम्हारा बीपी बढ़ गया हो, इसकी वजह से आंखों के आगे काला अंधेरा छा गया हो। ध्यान रखा करो, यही दिक्कत होगी हम कह रहे हैं, है ना? लेकिन अचानक बीपी कैसे बढ़ जाएगा? बेवकूफ बारो, तुझे लगता है तूने मेरी शक्तियां मुझसे छीन ली? गलत लगता है। ये क्या है? नहीं मोहिनी, अब तुम कुछ करने लायक नहीं बचोगी। कितनी सुंदर हो तुम मोहिनी, और शातिर भी, और तुम बहुत ही भोली और बेवकूफ कि तुम्हें ये लगा कि सुरमा देकर तुम मेरी शक्तियां खत्म कर सकती हो, बल्कि तुमने ये देखकर मुझे बता दिया कि मेरी गुरु माँ मेरे आसपास ही है। कल अगर मैं तुम्हारे पास ना हूं और तुम मुझे ढूंढ ना पाओ तो किसी भी तरह मैं तुम्हें ये सुरमा भेजूंगी। इससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं तुम्हारे आसपास किसी दुश्मन के कैद में हूं, और फिर तुम्हें मुझे ढूंढना ही, क्योंकि ये दुनिया में सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकती हूं और तुम मुझे। ये बस एक जाल था पारो, मोहिनी का माया जाल, जिसमें तू फंस चुकी है। अब अंधी बनने का नाटक कर मुझे अपने देव तक पहुंचने का रास्ता साफ नजर आ गया। ये मोहिनी आंटी को क्या हो गया? आंटी आपको आपके बुरे कामों की वजह से भोलेनाथ जी ने आपको पनिशमेंट दी, तो फिर मैं भोलेनाथ जी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। बेटा किने फिर से जादू किया? माँ आप, जब माँ का है साथ तो फिर डरने की क्या है बात, है ना? ये जादू हमने किया है अपनी गुड़िया की होंठों पे मुस्कान दिलाने के लिए। हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें अपनी रूठी हुई बेटी बुलबुल को मनाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए। वो नाराज है हमसे, मगर हमें उसे मनाना है। आप सब हमारी मदद करेंगे ना उसे खुश करने में? बोलिए। जादू किया कैसे? जादू? जादू तो आपने भी देखा ही नहीं है, असली जादू तो अब हम आपको दिखाएंगे। तैयार हैं आप? चलिए।
हमने कहा था ना, जब माँ है साथ तो डरने की क्या है बात। बुलबुल, ये जो डर होता है ना, ये बस हमारे मन के अंदर होता है। इसे हम चाहे तो काबू पा सकते हैं और अगर चाहे तो छू मंतर करके गायब भी कर सकते हैं। सच कहूँ माँ, इस सच्चा जादू मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मुझे तो लगा था जादू से सिर्फ बुरी चीजें ही होती है। बेटा, जादू से खूबसूरत चीज और कोई नहीं होती। इसे हम चाहे तो अच्छा बना सकते हैं और हम चाहे तो बुरा। हमने अपने कुछ दोस्तों की मदद ली और कहा कि हमें जल्दी से जादू करके दो। हमें अपनी रूठी हुई गुड़िया को मनाना था ना। थैंक यू माँ, मैं आपको और पापा को इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हमारा बच्चा। क्या हुआ बुलबुल? माँ, आप मुझसे इतना प्यार नहीं करते ना। मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ ना। बुलबुल, ये सब कहाँ से सीखा आपने? बेटा, ऐसा नहीं है। आज के बाद ऐसी बात ना कभी कहना ना सोचना। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे और ये सच कभी नहीं बदलेगा। आप हमारी बेटी हैं। कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमें अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं, है ना? माँ, कल स्कूल में फंक्शन है और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी इस मैजिक राइड के बारे में। नहीं, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये हमारा ना सीक्रेट है। और देखना, इस कंपटीशन में तो मैं ही जीतूंगी। हमारा बच्चा, आप ही जीतेंगी। के एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे आप लोगों को बोलना चाहिए कि आज भी आप लोग जैसे नेक दिल इंसान है, एक अनाथ बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। चले। थैंक यू। ये लो। बुलबुल, तुम मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाओगी, अपना स्कूल नहीं दिखाओगी? चलो मिलवाती हूँ ना। बुलबुल आ गई। बुलबुल, ये तुम्हारे साथ कौन है? ये चिक्की है, मेरे घर में रहती है। पापा ने इसका एडमिशन हमारी क्लास में करा दिया। क्या नाम बताया? चिक्की। चिक्की, ये वही चिक्की है ना जो तुम्हें हर बार परेशान करती है? छी छी, इस चिक्की की बाल कितनी ऑयली है और खड़ी भी कितनी अजीब तरीके से है। इसे किसी छोटे मोटे स्कूल में जाना चाहिए था। तेरे पापा ने इसका एडमिशन यहाँ क्यों करा दिया? हमारी बुलबुल बेस्ट है, बेस्ट। इसके सामने तो चिक्की फीकी है, फीकी। फीकी है, फीकी है, फीकी है, फीकी है, फीकी है। ये बुलबुल बेस्ट है ना? हाँ, बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है। मैं तो आप सबके लिए ये लाई थी। जो
जो चीजें आप सबको चाहिए आप सब ले सकते हो। बेटा क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? रोती नहीं बेटा, अब हम आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम, आज के इस टैलेंट हंट कंपटीशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अब हमारे सामने एक एक करके स्टूडेंट्स आएंगे और अपने स्पेशल टैलेंट की झलक दिखला जाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी आज की पहली डांस परफॉर्मेंस का। अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है, इनके लिए थोड़ी जोरदार तालियां बजाइए और इनका जोश के साथ स्वागत कीजिए चिक्की का। हमारी बेटी, आप दीप को बुलाइए, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। कोई रूपा नाम की लड़की का फोन आया था हमारे पास। हमने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। तुमने ही तो वीडियो देखने के बाद इंस्पेक्टर साहब को फोन करके बुलाया है। दिखाइए वीडियो। ये देखिए देखिए, इतना सबूत काफी है। मिस्टर देव आपकी जगह जेल के अंदर है, चलिए हमारे साथ। और अब आई है आप सबकी चहेती, पिछले 3 साल की विनर बुलबुल का। परफॉर्मेंस के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम उससे बढ़िया करोगी? हाँ करूँगी। मैं आज आप सबको एक मैजिक दिखाने आई हूँ। माँ दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक होती है। माँ है तो जहान है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। और ये मैं जानती हूँ कि पहले मेरे पास माँ नहीं थी, मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी, ना साथ कोई खेलने वाला ना हंसने वाला। आप दीप को बुलाइए, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। कोई रूपा नाम की लड़की का फोन आया था हमारे पास। हमने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। तुमने ही तो वीडियो देखने के बाद इंस्पेक्टर साहब को फोन करके बुलाया है। दिखाइए वीडियो। ये देखिए देखिए, इतना सबूत काफी है। मिस्टर देव आपकी जगह जेल के अंदर है, चलिए हमारे साथ। लेकिन फिर मुझे माँ मिली और फिर ऐसा लगा लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा हो गया। मेरे पास इस दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक है, मेरी माँ। I love you, माँ।
बहुत प्यार है ना माँ बेटी में। आज सिर्फ बुलबुल और चिक्की का नहीं बल्कि पारो तुम्हारा भी कॉम्पिटिशन है। आज तुम्हें साबित करना होगा कि तुम किससे ज्यादा प्यार करती हो, चिक्की से या बुलबुल से। आप दीप को बुलाइए, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। कोई रूपा नाम की लड़की का फोन आया था हमारे पास। हमने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, तुमने ही तो वीडियो देखने के बाद इंस्पेक्टर साहब को फोन करके बुलाया है। दिखाइए वीडियो। ये देखिए देखिए, इतना सबूत काफी है। मिस्टर देव आपकी जगह जेल के अंदर है, चलिए हमारे साथ। आप दीप को बुलाइए, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। कोई रूपा नाम की लड़की का फोन आया था हमारे पास। हमने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, तुमने ही तो वीडियो देखने के बाद इंस्पेक्टर साहब को फोन करके बुलाया है। दिखाइए वीडियो। ये देखिए देखिए, इतना सबूत काफी है। मिस्टर देव आपकी जगह जेल के अंदर है, चलिए हमारे साथ।